नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो जो था वो एनडी पार्ट टू था, और आज के वीडियो जो है पार्ट थ्री है, और आज जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया कि मतलब पुरातात्विक स्रोत के बारे में, मतलब पुरातात्विक स्रोत के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज का क्लास जो है इसमें हम लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहला सामाजिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो पहला है मातृसत्तात्मक समाज, मतलब मातृसत्तात्मक समाज था उस टाइम हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय। अब ये मातृसत्तात्मक समाज क्या होता है, इसका मतलब होता है उस समय महिला की स्थिति कैसी थी। अब देखिए, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उस समय महिला की स्थिति अच्छी थी। अब कैसे अच्छी थी, और वो बोलते हैं, हमारे इतिहासकार बोलते हैं कि हड़प्पा काल के समय जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली, नाचते हुए महिला की मूर्ति मिली। इससे इनकी पता चलता है कि उस समय महिला की स्थिति अच्छी थी। अब देखिए, कुछ मतलब इनकी इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि नहीं, उस समय महिला की स्थिति बहुत खराब थी। अब देखिए, कोई महिला अगर कहीं पर नाचती है तो काहे नाचती है, अगर उसकी स्थिति अच्छी रहती तो वो क्या कहीं पे नाचती, नहीं ना नाचती। तो कुछ इतिहासकार यह भी बोलते हैं कि उस टाइम जो है महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसमें जो है मातृसत्तात्मक समाज में दो मतभेद है। पहला है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि महिला की स्थिति अच्छी थी, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसमें मतभेद है। अब आते हैं मतलब इनकी उस क्या उस टाइम के महिला जो है, क्या उस टाइम के मानव जो है सूती कपड़ा पहनते थे। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या उस टाइम के मानव सूती कपड़ा पहनते थे? इसका आंसर होगा हाँ, पहनते थे। क्या ऊनी कपड़ा पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे? जी हाँ, पहनते थे। तो उस टाइम के समाज में जो जो था यानी कि उस टाइम के मानव जो है सूती कपड़ा पहनते थे और ऊनी कपड़ा भी पहनते थे। अब आते हैं मनोरंजन के साधन, क्या उस टाइम के हड़प्पा काल के टाइम जो है मनोरंजन के क्या साधन थे, मतलब नाच गाना के क्या साधन थे, खेल कूद के क्या साधन थे। तो उसमें जो है कहते हैं हमारे इतिहासकार कि हाँ, उस टाइम जो है मनोरंजन के साधन थे। कैसे थे? जी हाँ, उस टाइम के लोग जो है पासा खेलते थे, और पासा खेलते थे, नाच डांस करते थे। एक बात मैं आप लोगों से इनकी पूछना चाहता हूँ, क्या उस टाइम म्यूजिक था, मतलब उस टाइम जो है नाच होता था, क्या उस टाइम जो है म्यूजिक था? जी हाँ था। तो क्या बिना मतलब म्यूजिक के ही नाचेगा मानव? ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए उस टाइम जो है म्यूजिक भी था, इनकी संगीत भी था। अब आता है, क्या उस टाइम के लोग जो है शिकार करते थे? जी हाँ, करते थे शिकार। और हमने तो आपको कह दिया कि उस टाइम जो है संगीत भी था। अब आता है, हमारे ख्याल से आप जो है सामाजिक जीवन समझ गए होंगे, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि क्या
उस टाइम के लोग जो है सूती कपड़ा पहनते थे, ऊनी कपड़ा पहनते थे, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग जो है यह जान लिए। अब आते हैं इसका धार्मिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तो उस टाइम के धार्मिक जीवन जो थे, उस टाइम में कि कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब हमारे इतिहासकार जब खुदाई करते हैं वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थान को, तो वहाँ से जो है मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इससे इनकी पता चलता है कि उस टाइम मंदिर नहीं थे, हाँ बल्कि मूर्ति थे, मातृ देवी की मूर्ति थे उस टाइम, और नाचते हुए भी मूर्ति थे, मतलब इनकी नाचते हुए महिला की भी मूर्ति मिली, और उस टाइम जो है कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। तो आप लोग जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। हमने आपको इससे पहले वाले में भी हमने आपको समझाया था, अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पशुपति शिव का मतलब इनकी मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप लोग आसानी से कह दीजिएगा मोहनजोदड़ो। क्यों? क्योंकि पहले है पशु, तो पशु को कौन पालेगा, मोहन पालेगा, इसलिए मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक, अब आते हैं हड़प्पा से क्या मिलता है, मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। इसलिए उस टाइम के जो धार्मिक जीवन थे, मतलब इनकी पूजनीय जीवन थे, मतलब उस समय भी इनकी पूजा होते थे, इस बात को आप लोग को इनकी ध्यान में रखना है कि उस टाइम भी जो है पूजा होते थे। अब आता है उस टाइम जो है किस पशु को मानव पूजा करते थे सबसे अधिक, तो इसका जो होगा कुंवर वाले सांड। अब ये कुंवर वाले सांड किसे कहते हैं, आजकल जानते होंगे किसी किसी सांड को जो है कुंवर रहता है ना पीठ पर, उसी को बोलते हैं कुंवर वाले सांड। तो कुंवर वाले सांड को पूजा करते हैं, करते थे उस टाइम के मानव। ठीक, अब आता है, हाँ एक बात और, इनकी मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान जो है नहीं मिला, मतलब इनकी मुसलमान सब जब इनकी अपने जब से कोई मतलब एक्सपायर हो जाता है तो उसको जो है कब्रिस्तान में गाड़ते हैं, दफनाते हैं, तो मोहनजोदड़ो से जो है कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। अब आते हैं, मतलब इनकी हमारे ख्याल से सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आर्थिक जीवन, उस टाइम क्या मतलब कमाने के क्या स्रोत थे, उसी के बारे में हम लोग जो है इसमें इनकी चर्चा करेंगे। आर्थिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का इसमें होगी चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम जो है आप लोग तो हम तो आप लोग को इनकी बताए भी थे कि हड़प्पा काल के लोग जो है कृषि करते थे, और सबसे पहले किस किस फसल की खेती मतलब खेती हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, तो क्या होगा इसका आंसर, कपास और जौ। इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा कालीन लोग जो है कपास की खेती की थी किए थे। ठीक, और ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं माप तोल के क्या साधन थे उस टाइम, अगर अभी आप लोग जब कहीं पे किसी से सामान खरीदने जाते हैं तो वह सामान आपको इनकी माप की देता है, उसी प्रकार है उस टाइम भी इनकी माप तोल का साधन था, ऐसा बात नहीं है कि उस टाइम जो है माप तोल का साधन नहीं था, उस टाइम भी माप तोल का साधन था। अब क्या साधन था, उस टाइम जो है 16 के गुणक के का माप तोल का साधन था। अब ये 16 के गुणक क्या होता है, 16 के गुणक के का प्रयोग होता था उस टाइम जो है, मान के चलिए इनकी 16 गो वस्तु पर जो है इनकी उसे पैसा दिया जाता था। मान के चलिए अगर आजकल जो है एक वस्तु पर एक पैसा मतलब इनकी 1 रुपया अगर उसको हम इनकी देंगे, उसी प्रकार उस टाइम जो है 16 वस्तु अगर हम आपसे ले रहे हैं तो उसके बदले आपको हम देंगे 1 रुपया। तो इसको कहते हैं 16 के गुणक का प्रयोग होता था उस टाइम माप तोल के लिए। ठीक,
नेक्स्ट आता है क्या उस टाइम के लोग जो है सोना उपयोग करते थे? क्या उस टाइम के लोग सोना उपयोग करते थे? जी हाँ, मतलब करते थे। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा कालीन लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? एक बार और मैं आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि हड़प्पा कालीन लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला तांबा, सोना, चांदी, लोहा। आप हमें इसका कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? लोहा। मतलब हड़प्पा कालीन लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। अभी हम लोग जो है दो तीन चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें लोहा आएगा, ठीक है? अभी जो है हड़प्पा काल के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं है, ठीक। अब आता है सोना कहाँ से मिला है, मतलब हड़प्पा कालीन सोना जो है इनकी था वो कहाँ कहाँ से मिला है, इस बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक। तो सोना जो है मिला है कर्नाटक से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन सोना कहाँ से मिला है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? कर्नाटक और अफगानिस्तान। इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक और अफगानिस्तान। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आता है कि तांबा का प्रमाण कहाँ से मिला, मतलब हड़प्पा कालीन तांबा कहाँ से मिले हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान और ईरान। उसी प्रकार है सीसा, मतलब सीसा जो है हड़प्पा कालीन सीसा कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर होगा ईरान से। दोस्तों अब जो है क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा कालीन का विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा कालीन का अंत कैसे हुआ, यानी कि पतन कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ। इसके पीछे भी कुछ हमारे इतिहासकार जो है अन्य अन्य प्रकार के मतभेद है इसमें कि हड़प्पा कालीन समाज का अंत जो है बाढ़ के कारण अंत हो गया, मतलब इनकी उस टाइम में इनकी बाढ़ आया, मतलब इनकी बाढ़ आया और जो है वह हमें इनकी बाढ़ में दहा गया। और कोई कोई इतिहासकार का यह भी मत है कि नहीं, युद्ध हुआ था उसके कारण जो है हड़प्पा कालीन का अंत हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। मतलब इसमें जो है हमारे इतिहासकार का विभिन्न प्रकार के इनकी मत है। अब आते हैं कि हड़प्पा जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत के बारे में हमारे इतिहासकार बोलते हैं, मार्टिन व्हीलर और गार्डन गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि नहीं, हड़प्पा का अंत जो है बाह्य आक्रमण के कारण हो गया। मतलब हड़प्पा का विनाश जो है उस पे हड़प्पा पे जो है कोई और मतलब आदमी सब इस पे इनकी आक्रमण किए और इसका जो है विनाश हो गया। और कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, इनकी बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा का विनाश हो गया। इसके पीछे भी जो है कुछ कारण है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है रावी और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हमारे इतिहासकार यह भी बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश बाढ़ के कारण हो गया। मतलब उस टाइम जो अचानक बाढ़ आया और जो है हड़प्पा मतलब उस टाइम के लोग जो है मर गए, मतलब है कि बाढ़ में बह गए। मान के चलिए अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अभी अगर यहाँ पे इनकी भयंकर बाढ़ आ जाए तो हम लोग जो है इसी इनकी छत के अंदर जो है दब के मर जाएंगे। और जब आज से इनकी 500-600 साल बाद जब इसकी खुदाई होगी तो हम लोग के अवशेष मिलेंगे। उसी प्रकार है तो हड़प्पा का जो है कोई कोई इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, इसका जो है अंत हुआ बाढ़ आने के कारण हुआ, अंत हो गया। दोस्तों अब जो है इसके आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारा स्टडी मतलब इनकी यह लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब भी कर ले।
आइए अब चलते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, मतलब हरप्पा का जो भी हरप्पा सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पे अपना लोग जो है एक देखते हैं क्या क्या इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अब जो है कुछ यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने है, क्वेश्चन में है, मतलब इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो भी है मतलब इनकी तथ्य है इसमें, मतलब कहा गया है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता है कि वहां पर जो है मरे हुए व्यक्ति का नर कंकाल बहुत मिला है, मतलब मोहनजोदड़ो में मरे हुए व्यक्ति का नर कंकाल बहुत सारे में मतलब मिला है, इसलिए जो है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब है धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? धोलावीरा का अर्थ जो है क्या होता है? सफेद कुआं, मतलब जो है धोलावीरा में एक स्थान है वहां पे बहुत बड़ा इनकी सफेद मतलब कुआं मिला है और उसका जो पानी जो है बिल्कुल सफेद है, इसलिए उसे कहा गया है सफेद कुआं। ओके दोस्तों अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ जो है क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जो है आता है, इसलिए आप लोग को जो है इस पे इनकी ध्यान रखना है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक अब आता है नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती नहीं होती थी। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की खेती होती थी तो इसका आंसर क्या होगा? कपास होगा। हमने आपको यह जो इसका मतलब यह क्वेश्चन एक बार और एनकी बताया हुआ है, इसलिए आप लोग जो है इस पे ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे कि हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती नहीं थी बल्कि कपास खेती थी और धान का अवशेष लेकिन मिला है। हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती नहीं होती थी लेकिन धान का अवशेष मिला है। कहाँ मिला है? वह मिला है आपको लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से और रंगपुर से जो है धान का अवशेष मिला है। ठीक है अब आता है नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या घोड़ा पालतू थे? अच्छा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या बैल की रेस लगाई जाती थी? आप लोगों से क्वेश्चन मेरा है कि हड़प्पा सभ्यता में बैल बैल की रेस लगाई जाती थी? बैल की रेस लगाई जाती थी या घोड़ा की रेस लगाई जाती थी? हमको पहले ये बताइए, इसका आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए। हड़प्पा सभ्यता में जो है क्या बैल की रेस होती थी या घोड़ा की रेस होती थी? जैसे आजकल हमारे मतलब 2020 में जो है घोड़ा की रेस होती है, क्या कहिए कि सुने हैं बैल की रेस होती है? नहीं सुने हैं? जी हाँ हड़प्पा सभ्यता में जो है बैल की रेस होती थी और घोड़ा की रेस नहीं होती थी। उस टाइम घोड़ा भी पालतू नहीं था, मानव का उस टाइम लोगों का घोड़ा पालतू नहीं था, इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और इनकी मतलब घोड़ा पालतू नहीं था परंतु उसका जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से और सुतका गेंडोर से। और किससे मिला है? सुतका गेंडोर से। सुतका नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है अभी कुछ मैंने अभी इसमें कट किया था। तो हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है में जो है घोड़ा पालतू नहीं था, इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू नहीं था परंतु घोड़ा का अवशेष लेकिन मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है और सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। ठीक उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का मुहर किस चीज का बना था? हड़प्पा सभ्यता का मुहर जो है किस चीज का बना था? वो था बना सेलखड़ी का मुहर बना था। इस बात को आप लोग जो है अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का मुहर जो है सेलखड़ी का बना हुआ था। और इस प्रकार जो है आज हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर खत्म हो जाता है। कल से जो है हम आपको इनकी पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में,
तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतना मेहनत से हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत से बहुत मेहनत लगता है। अभी फैन भी यानी कि बंद किया हुआ हूँ, इतना गर्मी लग रहा है। बस आप लोगों से मेरा एक ही नियम है, मतलब एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओके बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। सो थैंक यू वेरी मच।